आप लोग जितने भी मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि मैं बहुत ही पहले से डायनामोस वर्ल्ड खेल रहा हूँ। मैंने डायनामोस खेला है, डायनामोस 2 खेला है, डायनामोस वर्ल्ड खेला है। बीच में बहुत सालों से डायनामोस वर्ल्ड का कोई भी अपडेट नहीं आया था, और यार अभी तो एक हफ्ते में ही अपडेट आ जाता है। प्रॉब्लम्स भी काफ़ी आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं यार यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था, तब मैंने एक चीज़ देखा कि डायनामोस वर्ल्ड आंदोलन हो रहा है भाई। ये तो यार मुझे काफ़ी फनी लगा, पर यार जब मैंने डिटेल्स में देखा तो मुझे समझ आया कि इसमें डायनामोस वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम्स थे उसके बारे में बात किया जा रहा है। जो जो इशू है गेम में, जैसे कि हैकर जो है गेम से रिमूव होना चाहिए, हैकर तो रिमूव होना ही चाहिए, हैकर ने काफ़ी परेशान करके रख दिया है। उसके बाद बात किया गया है ऑनलाइन एरिना के जो बैटल है उनके रिवॉर्ड्स को इंक्रीज करने के लिए, और मैप में जो है अच्छा रिवॉर्ड्स देने के लिए। तो इन सभी बातों में काफ़ी लॉजिक है। इसके साथ साथ इस आंदोलन में बात किया गया है नए स्किल्स के बारे में। डायनामोस की स्किल आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत सारे डायनामोस की स्किल्स सेम है, तो इसलिए नए नए स्किल्स ऐड होने चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम्स गेम में चल रहा है इन्हें सॉल्व करना चाहिए। जो जो यूट्यूबर इनके बारे में बोल रहे हैं तो वो लोग एकदम सही काम कर रहे हैं, उन लोगों को ये करना चाहिए। यार मैं भी सपोर्ट करता हूँ, और आप लोग डायनामोस वर्ल्ड के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। उधर डायनामोस वर्ल्ड के पोस्ट में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, तो उन लोगों का फोकस जाएगा इन सब प्रॉब्लम्स में और वो लोग इसे सॉल्व करेंगे। आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो पर।